हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाला सूट कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लेन कपड़ा है, इस कपड़े से हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो कढ़ा हुआ कपड़ा है, इससे हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई करी हुई है। तो इसमें से हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारा गला है, तो इसको बिल्कुल एक बराबर ही रखेंगे अच्छे से मिला के। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करी है। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी। और एक निशान हमें आधा इंच पर लगाना है, आधा इंच हम मार्जिन लेंगे। और जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ से हम सूट की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 35 इंच है, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे। नीचे की तरफ हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 35.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीरे की चौड़ाई नापेंगे। तो तीरे की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो यहाँ पर 13 इंच को आधा करेंगे, तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और आधा इंच का मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे बाजू सिलने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से लाइन खींच देना है। और यहाँ पर हम 1 इंच की आर्मोल की गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई है 17 इंच। तो 17 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए। फिर हम यहाँ पर तीसरा निशान लगाएंगे हिप के लिए 13 इंच पर। और यहाँ पर कमर की चौड़ाई हमारी है 14 इंच। तो यहाँ पर 14 इंच को आधा करेंगे, तो हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम हिप की चौड़ाई भी 17 इंच रखेंगे, तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से तीनों निशान को मिलाएंगे। और साइड में हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान को लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। और जो हमारा सूट का घेर है, उसको भी हम 17 इंच रखेंगे। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान को लगा लेते हैं। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कट लगा देना है, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग रहेगी, ठीक है। तो ये कट ज़रूर लगाना है। यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर एक कट लगा देना है। तो इस तरह से देखिए हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लेन कपड़ा है, तो इसमें से हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जो कपड़े की सीधी साइड है, वो हम रखेंगे अंदर की तरफ। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आगे वाला पल्ला रखेंगे। इस तरह से दोनों की जो बंद साइड है, वो हमारी बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने पल्ले को रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी आगे वाले पल्ले पर, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। और पीछे वाले पल्ले को हम नीचे से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में हमारी तुरपाई होगी। देखिए हमने 2 इंच ज़्यादा रखा है। और आगे वाले पल्ले में तो हम इसमें लेस लगाएंगे।
तो अब हम क्या करते हैं, पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं। आगे वाले पल्ले पर हमने नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हम इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। ऊपर की तरफ हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाजू की चौड़ाई नापनी है। तो यहाँ पर हमारी बाजू की चौड़ाई आ रही है 7.5 इंच। तो इस तरह से हम इस पल्ले को अलग कर लेते हैं। हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा साइड में कपड़ा बचा था तो इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है, फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और नीचे से किनारी की कटिंग कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 19 इंच है, जिसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो 19.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर आप बाजू की लंबाई अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम ज़्यादा। कपड़े को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 9 इंच है। तो 9 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से गुलाई कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी बाजू की चौड़ाई 7.5 इंच है। तो इस तरह से इंची टेप को रखे 7.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर तिरछे में दोनों निशान को मिला देना है। और यहाँ पर हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर भी निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे, फिर हम यहाँ पर आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देना है। तो देखिए जो हमने कट लगाया है वो हमारा आगे वाले पल्ले पर आएगा। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और दूसरी तरफ भी निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिप की चौड़ाई 17 इंच है, तो यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे और सीने की चौड़ाई भी हमारी 17 इंच है तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो हमने देखी दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करना सिखाया है और ये हम हाफ कॉलर सूट बनाएंगे। तो दोस्तों इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।